नैतिक दबाव। नैतिक दबाव में क्या होता है, एक रिक्वेस्ट करता है, मतलब जो आपका आरबीआई है ना वो बैंक से रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, इसलिए तो इसको नैतिक दबाव बोला गया। नैतिक दबाव में आपका आरबीआई बोलता है कि आप जो भी लोन वगैरह दे रहे हैं, ठीक है, जो आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस हैं उसके हिसाब से आप लोगों को लोन दे, हमारे जो स्ट्रेटजीज हैं या फिर हम लोग जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो आप लोग फॉलो करें प्लीज, मतलब एक तरीके से बैंक से रिक्वेस्ट करता है। और नैतिक दबाव एक गुणात्मक उपाय है। क्वेश्चन बनता है कि नैतिक दबाव आपका गुणात्मक उपाय है या फिर मात्रात्मक, तो ये गुणात्मक उपाय है, ठीक है। इसमें रिक्वेस्ट की जाती है आपके आरबीआई द्वारा बैंक्स को कि भाई हम जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं आप उनको फॉलो करिए और उसके हिसाब से हम जैसे बोल रहे हैं उसी हिसाब से आप लोग काम करिए, ठीक है।